हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीजेस व्लॉग। तो अभी मैं जा रही हूँ सेमनेरी हिल्स एंड हैप्पी फीस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। और वहाँ पर आज कैसे सेलिब्रेट करते हैं फीस्ट लूट माता का, मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी बहन है लॉरिटा रिचा फॉस्टिना क्रिस्टीना। दोनों फ्लावर गर्ल्स टाइप लग रहे हैं पर हैं नहीं इन लोग, और ट्विन्स भी नहीं हैं इन लोग। बस रोल मारने के लिए एक जैसे कपड़ा पहन लिए। अब लोग पहुँच गए हैं कहाँ, सेमनेरी हिल्स। सेमनेरी हिल्स गोटा भी कार पार्किंग करके फिर उसके बाद अंदर का हम लोग दिखाते हैं। आप ट्रैफिक देख सकते हैं। हाँ, ट्रैफिक दिखाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पर पार्किंग के लिए दिया गया है ऊपर। ये सेंट चार्ल्स ग्राउंड है, यहाँ पर पार्किंग के लिए दिए हैं। एक्चुअल में ये सारा जगह थोड़ा सा टॉप पे बना हुआ, हिल पे ही बना हुआ है, इसलिए इस जगह को सेमिनरी हिल्स बोलते हैं। और जो चर्च है वो थोड़ा सा डाउन पे है। तो अभी मैं आप लोगों को बैक साइड से दिखाऊंगी चर्च, और फिर आगे से फ्रंट साइड से भी मैं दिखाऊंगी कि कैसा है। सेंट फ्रांसिस डी सेल्स ऑफ एक्सीलेंस स्कूल है, जो कि ICSE है। और फिर ये हमारा सेंट चार्ल्स सेमिनरी हिल्स कॉलेज है, जो कि बी ए बी एस सी पी जी सबके लिए है। एंड दिस इज सेंट चार्ल्स ग्राउंड। और ये बिल्डिंग क्या है? ये ऑडिटोरियम है यहाँ पर। और ये सब पूरा हिल्स पे ही बना हुआ है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। देखिए, ये वाली जो रेड बिल्डिंग है वो थोड़ा सा टॉप पे, फिर वहाँ थोड़ा डाउन में ये वाला स्कूल है, फिर वो वहाँ पर शायद रेसिडेंस वगैरह है ब्रदर लोगों का। ऐसे ही पूरा हिल पे ही बना हुआ है। ये जो है ना, ये ब्रदर्स लोगों का रेसिडेंस। और कितना सुंदर है, देखिए ना कितना मस्त ऐसे हिल को कट कट करके बनाए हुए हैं। मस्त बैंगन भी उगा है। पहुंच गए हैं और अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। यहाँ पूरी स्टेयर्स हैं। अगर हम लोग बैक साइड से आते हैं तब पूरे स्टेयर्स उतरना पड़ता है, और फ्रंट से आएंगे तो वहाँ पर अपने को स्टेयर्स नहीं चढ़नी पड़ती, ना चढ़नी पड़ती ना उतरनी पड़ती। ये देखिए, ये चर्च का बैक साइड है, और यहाँ पर पूरी पब्लिक पहुँच चुकी है वैसे भी, क्योंकि हम लोग अभी दोपहर को 2 बज रहे हैं और पहुँचे हैं। और यहीं पर सभी लोगों का खाने का भी अरेंजमेंट आज हुआ है। जितने भी लोग, जितने भी भक्त लोग आएंगे, सबको एक आज चर्च में ही यहाँ खाना रहता है। दूर दूर से सारे लोग आते हैं यहाँ। चर्च में मलयाली मास चल रहा है, मॉर्निंग से स्टार्ट हुआ है 7 o'clock से, सभी लैंग्वेजेस में। लास्ट में फाइनल मास होगा हिंदी में, वो हम लोग अटेंड करेंगे। यहाँ पर खाने का अरेंजमेंट हुआ है इसके अंदर, और बाकी ये फूड स्टॉल्स वगैरह लगे हैं। ये देखिए, सारे फूड स्टॉल्स लगे हुए हैं, और ये सारे स्टॉल्स ब्रदर्स और फादर्स लोग भी लगाए हैं। इससे जो भी पैसे मिलते हैं वो जाते हैं गुड कॉज के लिए, गरीबों के हेल्प के लिए, सारे आश्रम वगैरह में चले जाते हैं। तो ये जो भी स्टॉल लगाए जाते हैं, ये इसका पर्पस गुड कॉज ही होता है, डोनेशन जाता है पैसा पूरा। मैं तो चिकन परोठा ऑर्डर करी, अभी इसको मस्त खा लूँ। और ये है वहाँ का एंट्रेंस, जहाँ सबके लिए खाने का अरेंजमेंट किया गया है। देखिए, काफ़ी रश है, बहुत सारे लोग आते हैं और सब यहीं पर खाकर अच्छे से जाते हैं। देखिए, ए लॉरी, हलवा अच्छा लग गया? फिर से बता कैसा है। खाना खाने के बाद हम लोग डोली के दर्शन के लिए लाइन लगाए हैं, और देख सकते हैं आप लोग कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, और बहुत लंबा भी पैदल चलकर जाना है। फिर उसके बाद वहां पर डोली के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग वहां पर बैठकर प्रेयर अटेंड करेंगे।
चरण स्पर्श किया है। मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ इस समय अपने दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखिए, अपने हृदय पर रखिए, अपने दिल की धड़कन को महसूस कीजिए। वो दिल की धड़कन जो बार बार प्रभु यीशु का नाम पुकारती है, क्योंकि विश्वास के आधार पर प्रभु ने भी उसे उतना ही दिया जिसने उसने जिससे शारीरिक मृत्यु तो सबको आना है, जिसने जन्म लिया है उसे मरना ही है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम उस जीवन के बाद चाहे फाइनली हम लोग डोली के पास पहुंच गए हैं। अब बस थोड़ी ही लाइन बची है, फिर वहां पर डोली में माता मरियम के दर्शन करके वहां प्रेयर करने के बाद आगे फिर हम जाएंगे। हिंदी मास की तैयारी हो गई है और सभी फादर्स लोगों का वेलकम किया जा रहा है। देखिए उनको कितने सम्मान पूर्वक लोग नाश्ते में लेकर आ रहे हैं और पूरे फादर्स लोग एक साथ लाइन पे आ रहे हैं वेदी की तरफ। फादर्स के साथ साथ नागपुर के बिशप स्वामी भी यहाँ पर आ रहे हैं और वही यहाँ पर फाइनल शाम को 4 बजे इवनिंग हिंदी मास देंगे। सभी फादर्स यहाँ पर आ रहे हैं बेदी पे और कितना भक्तिमय वातावरण है। देखिए कितने सारे फादर्स हैं, ये सारी चीज़ें ही तो देखने के लायक रहती हैं और बहुत कम देखने को मिलती हैं। बस फीस्ट वाइज कितना अच्छा लगता है ये सारी चीज़ें। सभी फादर्स के बेदी में पहुँचने के बाद यहाँ बिशप स्वामी के स्वागत के लिए कुछ बालिकाएँ स्वागत नृत्य कर रही हैं और कितना प्यारा डांस कर रही हैं, आप सभी देख सकते हैं। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप लोग डांस देखिए।
निरीक्षक दीप प्रज्वलन करने के बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बिशप माता मरियम की आरती करते हुए ये सब के बाद मास स्टार्ट हो गया था और ड्यूरिंग मास मुझे ज़्यादा वीडियो शूट करते नहीं बना क्योंकि मैं खुद प्रेयर में शामिल थी और जैसे जैसे मास एंड हुआ परम प्रसाद के बाद कहे ये वीडियो जहाँ पर इतनी आंधी टाइप चलने लगी थी, पूरे पत्ते उड़ रहे थे और एकदम मस्त हवा चल रही थी, मैंने उसका थोड़ा सा शूट लिया है कि देखिए कितनी हवा चल रही है और मस्त एकदम पानी वाला माहौल हो गया था वहाँ पर। ये चर्च हो गया था, मेरे पापा तो एकदम प्रेयर में भक्ति में डूबे हुए और मैं मम्मी के साथ थोड़ा सा अपना वीडियो ले ले रही थी कि चलो हम लोग का प्रेयर कंप्लीट हो गया फाइनली, अच्छा लग रहा है। मास ख़त्म होने के बाद माता मरियम का प्रोसेशन निकलता है और ये लूर्ध माता मंदिर से होते हुए रोड में लेके जाते हैं, एक राउंड पूरा करके फिर वापस आते हैं। तो ये देखिए जो नृत्य मंडली है वो आगे आगे जा रही है, उसके पीछे पब्लिक और ऐसे बहुत सारे लोग सब पूरा पीछे जाते हैं प्रोसेशन में प्रेयर करते हुए और फिर प्रोसेशन को वापस ला के चर्च में रखते हैं और ऐसे यहाँ पर लूर्ध माता का फीस्ट मनाया जाता है। ये देखिए डोली इतनी सुंदर लग रही है और पूरी पब्लिक उनके पीछे प्रेयर करते हुए जा रही है। तो यहाँ पर लूर्ध माता का जो फेस्टिवल है एंड होता है फाइनली इस प्रोसेशन के साथ। तो आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग? आई होप कि मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा पाई होंगी कि लूर्ध माता का फीस्ट कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। और अब देखिए यहाँ पर डोली को लेके वापस लौट रहे हैं और फाइनली अब डोली को चर्च में रख दिया जाएगा, उसके साथ साथ पूरा यहाँ लूर्ध माता का फेस्टिवल एंड होता है। सो होप आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये ब्लॉग कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट करिएगा। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी फीस्ट टू ऑल ऑफ यू। आवे मरिया।